हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है शाइनी और आज के सेगमेंट में दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि कतर एयरवेज़ में एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की जॉब पोजीशंस के लिए किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। इस सेगमेंट को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात ज़रूर अपनी तरफ से नोटिफाई कर देना चाहती हूँ, हमेशा सतर्क रहिएगा। कभी भी कोई भी एयरलाइन की जॉब ओपनिंग्स निकलती है तो उसके लिए आप सिर्फ उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके करियर सेक्शन में विजिट करके सारी जॉब वैकेंसीज़ की वॉक इन इंटरव्यूज़ की डेट्स देख के, अगर वो ये कह रहे हैं कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो मेरे सारे वीडियोस में मैं आपको दोस्तों ये बताती हूँ कि हमेशा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके ही अपनी जॉब पोजीशंस के लिए जिसमें आपका मन हो उसमें अप्लाई करिएगा। काफ़ी ऐसे एविएशन एस्पिरेंट्स हैं, कैबिन क्रू एंड एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के, जो मुझे पर्सनली मेरी ऑफिशियल मेल आईडी पे मेल करते हैं कि मैम हमारे साथ बहुत ज़्यादा धोखा होता है, वी पे अ लॉट ऑफ मनी टू मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंसीज हु टेल अस और हु बेसिकली प्रोमिस कि वो उन्हें एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ में या फिर कैबिन क्रू में किसी भी एक रिनाउंड एयरलाइन का नाम लेके कहते हैं कि हम उसमें जॉब देंगे, बट उसके बदले में उन्हें सिर्फ धोखा मिलता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बिवेयर रहिए, सतर्क रहिए। अब दोस्तों जल्दी से मैं यहाँ पर सेगमेंट को शुरू करती हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कतर एयरवेज़ का करियर सेक्शन मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा है। इसमें दोस्तों जितनी भी ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि कतर एयरवेज़ एक इंटरनेशनल एयरलाइंस, एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो कतर एयरवेज में ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी जॉब पोजीशंस ओपन होती हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन इंटैक्ट डिटेल इनके करियर सेक्शन में करंट अपॉर्चुनिटीज में दी रहती है। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो कि जॉब फंक्शंस, कंट्री सर्च, सिटी सर्च, सब कुछ दोस्तों यहां पे दिया रहता है। हमें दोस्तों यहां पे इंडिया में जॉब ओपनिंग्स देखने हैं तो यहां पे दोस्तों मैं जल्दी से इंडिया पे क्लिक करूंगी। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि यहां पे इंडिया में जितनी भी इस वक्त वैकेंसीज ओपन है कतर एयरवेज में वो सारी यहाँ पे एक एक करके नीचे मेंशनड हैं। एक और बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज के सेगमेंट में जितनी भी जॉब वैकेंसीज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों वो सारी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है। अगर कतर एयरवेज़ फ्रेशर्स के लिए अपनी कोई भी जॉब ओपनिंग निकालता है तो ज़रूर दोस्तों मैं अपने वीडियोस के ज़रिए उन हायरिंग्स की इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगी दोस्तों। बट आज के सेगमेंट में दोस्तों आप ये ज़रूर देख लीजिए, अगर आप फ्रेशर भी हैं तब भी आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। इससे दोस्तों आपको एक ज्ञान हो जाएगा, आपको एक नॉलेज हो जाएगी कि कैसे आपको इनकी जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई करना है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहले जो मैंने जॉब ओपनिंग खोली है दैट इज़ फॉर द कार्गो सेल्स मैनेजर। ये पोजीशन दोस्तों 1 नवंबर लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की, अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो। फुल टाइम जॉब है ये, ना ही कॉन्ट्रैक्चुअल ना ही ऑन रोल, ठीक, ना इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने लिखा है कि आपके पास 5 ईयर्स का रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपके पास एयरलाइन में है, या फिर अगर आपके पास कोई डिफरेंट सेल्स ही सेक्टर में कोई एक्सपीरियंस है तो फिर आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद कार्गो ऑपरेशंस एजेंट की यहाँ पे पोजीशन दे रखी है। अगर दोस्तों आप चाहो तो इसका कोड नंबर जो जॉब का दिया रहता है उसको भी लिख के आप इस जॉब को सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि इस जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है इन्होंने। ग्रेजुएशन, उसके बाद आपका 2 साल का अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है एयरलाइन कार्गो एयरफ्लीट ऑपरेशंस का, ठीक है, अगर आपको नॉलेज है इस जॉब से रिलेटेड तो आप ज़रूर इसमें ऑनलाइन CV अटैच करके अप्लाई करना होगा। वीडियो के लास्ट में दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको इसमें अपना पर्सनल एक प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी, अकाउंट क्रिएट करना होगा और फिर अप्लाई करना होगा। लोड कंट्रोल एनालिस्ट की दोस्तों आप यहाँ पोजीशंस दे सकते हो, 31 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट। तो अगर आपके पास दोस्तों एनालिस्ट की, अगर आपके पास लोड कंट्रोल एनालिस्ट में कोई भी आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है, या फिर अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के बाद एक्सपीरियंस है, तो फिर ऑब्वियसली दोस्तों आप यहाँ कतर एविएशन सर्विसेज में, कतर एयरलाइंस में इस प्रोसेस को फॉलो करके सेम टू सेम ऑनलाइन अप्लाई करके आप यहाँ पे इंटरव्यू अपना आगे करके शेड्यूल करवा सकते हैं। काफ़ी लोग मेरे से आप बोलते हैं कि मैम कतर एयरवेज़ में आफ्टर अप्लाइंग क्या इनका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, उसके ऊपर जल्द से जल्द दोस्तों मैं एक वीडियो आप सबके लिए ज़रूर लेके आऊँगी, ठीक। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि जैसे कि आप इस जॉब का देख सकते हो, इन्होंने दोस्तों यहाँ पे कॉपी ऑफ ऑल योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, ये सब कुछ अलॉन्ग विथ योर CV, अगर एक कवर लेटर भी है दोस्तों तो वो सब अटैच करके आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे जितनी भी करंट अपॉर्चुनिटीज निकली हैं जिसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर या फिर नवंबर के 1st 2 वीक्स में है या 3rd वीक में है नवंबर के, तो सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे दे रखी है। ये सारी ग्राउंड हैंडलिंग पोजिशंस हैं दोस्तों। एक और बात दोस्तों मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी भी एविएशन में, एयरलाइन में, इंटरनेशनल जब भी अप्लाई करते हो तो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अटैच करोगे वो सब आपके या तो PDF फॉर्म में हो या फिर MS वर्ड
मोड में हो, वरना फिर दोस्तों क्या होता है कि आपसे कोई भी यहाँ पे फाइल जो होगा वो आप ऑनलाइन इसको यहाँ पे अटैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि इससे पहले गोवेर का भी एक वीडियो था उसके ऊपर लोग मुझे लिख रहे थे कि मैम हम यहाँ अटैच नहीं कर पा रहे काफ़ी फाइल्स, तो मैम इसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। लास्ट में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितनी भी यहाँ पे आपने जॉब ओपनिंग्स देखी हैं कतर एयरवेज़ की, उसमें कुछ कुछ जॉब ओपनिंग्स में पासपोर्ट मांगा है, कुछ कुछ जॉब ओपनिंग्स में नहीं मांगा है, बट दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि पासपोर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट द मोस्ट कंपल्सरी डॉक्यूमेंट इन द एयरलाइन सेक्टर। तो पासपोर्ट होना, उसकी कॉपी जो फर्स्ट पेज होता है आपके पासपोर्ट का, उसकी एक स्कैन कॉपी रखिए, उसको अपने कंप्यूटर पर भी सेफ रखिए उसका जो फर्स्ट पेज होता है, ताकि अटैच करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारी डिफरेंट जितनी भी जॉब ओपनिंग से उसके बारे में यहाँ पे कंटेस्ट मैंने देखे रखा है। अब दोस्तों हम यहाँ पे जल्दी से देखते हैं कि किस प्रोसेस को फॉलो करके आपको अपना यहाँ पे एक जो आपका एक ऑनलाइन यहाँ पे पोर्टल होगा जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, जैसे आप फेसबुक पे करते हो, ठीक है, आप अपना याहू या जीमेल पे एक अकाउंट बनाते हो, उसी तरीके से जब आप ऑनलाइन किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस में अप्लाई करते हो तो आपको एक ऑनलाइन अकाउंट यहाँ पे बनाना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि पहले हम यहाँ एक्सेप्ट करेंगे, पूरा सब कुछ कंटेस्ट पढ़ लीजिएगा कि वॉट आर द डूज एंड वॉट आर द डोंट्स। ठीक, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूज़र रजिस्ट्रेशन, मतलब कि यहाँ पे आपका यूज़र नेम, आपका पासवर्ड, पासपोर्ट जो भी आपका मन का हो, आपके ही मर्जी का आपका यूज़र नेम, आपका पासवर्ड, सब कुछ दोस्तों यहाँ पे आपको लिख के अपना ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट करना है, उसमें अपना रिज्यूमे लगाना है, अपना कवर लेटर अगर है आपको आता है बनाना तो वो लगाना है, इसके अलावा ऑनलाइन जितनी भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट्स हैं, इसके अलावा आपका पासपोर्ट की अगर फोटोकॉपी या आपका पासपोर्ट का ऑनलाइन आपके पास है पूरा डॉक्यूमेंट, तो वो सब यहाँ पे दोस्तों आपको अप्लाई करना होगा उसी प्रोसेस को फॉलो करके, जैसे कि मैंने आपको ओमान एयर और गोएयर के लिए बताया था। ठीक, अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने डिटेल में ब्रीफ दे रखी हैं, इसको एक एक करके जल्दी से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो कोई भी मिस मत करिएगा। आई एक्सेप्ट, आई डिक्लाइन, तो आई एक्सेप्ट पे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेपरेट इन्होंने एक बॉक्स दे रखा है जिसमें आपको अपना प्रोफाइल जिस भी प्रोसेस को फॉलो करके क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके मन का यूज़र नेम, आपके मन का पासवर्ड, सेम प्रोसेस को दोस्तों आपको फॉलो करके अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो जो इनकी खुद की डिमांड है, सब कुछ दोस्तों आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक, तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए फॉर द एक्सपीरियंस कैंडिडेट कतर एयरवेज में आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। फ्रेशर्स जितने भी हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स, या अगर आप डिग्री कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो एविएशन में, या फिर अपार्ट फ्रॉम एविएशन एयरलाइन सेक्टर अगर आप नॉर्मल बीबीए एमबीए कर रहे हो, ठीक है, तो दोस्तों जितनी भी यहाँ पे हायरिंग्स निकलेंगी अगर आगे चल के एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ में कतर एयरवेज में फॉर द फ्रेश कैंडिडेट्स, तो ज़रूर दोस्तों मैं अपने वीडियोज़ के जरिए आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का सेगमेंट जहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस प्रोसेस को फॉलो करके आपको कतर एयरवेज में अप्लाई करना है। एक और बात दोस्तों मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कतर एयरवेज इज़ एन इंटरनेशनल ब्रांड, और क्योंकि एक इंटरनेशनल ब्रांड है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑफिस लोकेटेड हैं। अगर आपका मन है इनके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जॉब्स के लिए अप्लाई करने का, देन फील फ्री आप इनको कॉन्टैक्ट करिए। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी प्रोसेस को फॉलो करके दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, एंड यू विल बी having an opportunity or you will be getting an opportunity to work with Qatar Airways. तो दोस्तों आई रियली डू होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, देन डोंट फॉरगेट टू गिव योर लाइक। अगर आपके पास दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड, इस सेगमेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स हैं जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो बेशक मेरे इस वीडियो के नीचे लिखिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। तो अब दोस्तों मैं सेगमेंट को यहाँ पर रैप अप करती हूँ। अब हम दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीक ट्यूजडे को एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।